दोस्तों नमस्कार, वंस अगेन मैं अखिलेश आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने इस वेबसाइट अपने इस चैनल पर जिसका नाम है मेंटर्स अड्डा। दोस्तों आज मैं बहुत जरूरी टॉपिक पर आपसे बात करूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग काम करते हैं, आप लोग बहुत सारे बिजनेस में काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग 10-10 साल 5-5 साल से काम करो और पैसे नहीं बना पाए, सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, और ऐसे लोग ही जाके मार्केट में निगेटिव करते हैं कि इंडस्ट्री सही नहीं है। दोस्तों ये आप नहीं कमा पाए, ये आपकी फॉल्ट है। फॉल्ट कहाँ से है, क्योंकि 6 ऐसे आज मैं गोल्डन रूल देने वाला हूँ जिस रूल के यदि आपने फॉलो कर लिया, ये प्रयोग किया हुआ है, प्रैक्टिकल है, मैंने अप्लाई किया, सक्सेस हो के उसको फॉलो करके तब मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई किताबी बात नहीं बताने जा रहा। तो मैंने रूल फॉलो किया, यदि आपने ये 6 गोल्डन रूल फॉलो कर लिया दोस्तों, तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है दोस्तों जो आपको सफल होने से रोक सकती है, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग, जो भी आप इसको बोलते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1 से। यदि पहले रूल की बात किया जाए तो पहला रूल को हम बोलते हैं 80-20 का रूल। ये 80-20 का रूल दोस्तों क्या होता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में 2 टाइप के लोग आएंगे। एक टाइप के लोग वो होंगे जो 20% कैटेगरी में आते हैं, जो लोग मीटिंग कर रहे होंगे, प्लान दिखा रहे होंगे, साथ में मीटिंग्स में आते होंगे, और जब भी आप कोई ऑनलाइन मीटिंग भी करते होंगे, वेबिनार्स में भी कनेक्ट होते होंगे और सीखने का प्रयास करते हैं। और दूसरे 80% लोग ऐसे होते हैं जो मीटिंग को भी अवॉइड करते हैं, ट्रेनिंग को भी अवॉइड करते हैं, यदि उनकी भैंस मर गई तो भी गायब रहेंगे, पड़ोसी की शादी हुई तो भी गायब रहेंगे, उनकी सासू की तबीयत खराब होगी किसी दूसरे स्टेट में तो भी वो गायब रहेंगे। मीन्स उनके पास गायब होने के पास बहुत सारे बहाने होंगे। अब होता क्या है, ये जो 80-20 का रूल ये बोलता है कि जो 20% लोग हैं ये आपके इनकम का 80% धंधा यही 20 लोग लाते हैं। यानी यदि आपकी 100 की टीम है तो 100 की टीम में यदि आपकी 1 लाख की इनकम आती हो तो आपकी 80,000 इनकम सिर्फ 20 लोगों से आती है, ये 20 लोग काम करते हैं सिर्फ। और उस 1 लाख में जो 20,000 इनकम बची आपकी, वो 20,000 इनकम देने के लिए वो 80 लोग काम कर रहे हैं। 80-20 रूल दोस्तों ये बोलता है कि आपके टीम के 80% लोग आपको सिर्फ 20% कमा के देते हैं और आपके टीम के 20% लोग आपको 80% कमा के देते हैं। फिर आप दिमाग लगाना, यदि आपको सपोर्ट करना हो तो आपको किसको सपोर्ट ज़्यादा करना चाहिए। यदि मैं सपोर्ट को भी 80-20 में डिवाइड करूं तो हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, कि जो 20% लोग हमें 80% धंधा देते हैं वहां हमें अपना 80% टाइम देना चाहिए उनको सपोर्ट करने के लिए फील्ड में, मार्केट में। और जो लोग 80% लोग जो लोग हैं वो जो 20% बिजनेस देते हैं, हमें उनको टाइम भी 20% ही देना चाहिए, जबकि हम लोग उल्टा करते हैं। जरा देखना, आप खुद ये उल्टा करते हैं आज तक, कि जो टीम आपकी एक्टिव है, जिससे आपका मेजर बिजनेस आता है, उसको आप सपोर्ट ही नहीं करते, उनको आप टाइम देते हैं 20%, यानी 20 को टाइम देते हैं 20%, जबकि पूरा बिजनेस वो ला रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है वो तो एक्टिव पहले से ही है। और जो मुर्दे पड़े हुए हैं, जो मरे हुए 80% टीम है, आप उन्हीं 80% टाइम खर्च करते हो। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक दोस्तों, ध्यान देना। कैसे फाइंड आउट करोगे, नेटवर्क मार्केटिंग में किसके साथ काम करना है ये जानना ज़्यादा जरूरी नहीं होता, ज़्यादा जरूरी ये जानना होता है कि आपको किसके साथ काम नहीं करना है। और ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, यदि 1 से लेकर 2 महीने बीत चुके हैं और आपके टीम में आज भी बहुत लोग ऐसे हैं कि सुबह सुबह आपके पास पहुंच जाते हैं, सारे बहुत धांसू मीटिंग है और आपको लेके जाते हैं, आप अपनी गाड़ी में कार में बैठाते हैं, अपना डीजल पेट्रोल खर्च करते हैं, दिन भर उनको खिलाए पिलाए, आप भी खाए पिए, और शाम को जब आप लौटने के बाद ऐसा हो सकता है कि आपसे 100-200 उधार लेके जाएगा, सर गुटखा बीड़ी या फिर बियर पीनी है। और यदि ऐसे लोग हैं कि 2 महीने बाद भी प्लान आपसे दिखवा रहे हैं, 1 महीने बाद भी प्लान वो खुद न सीख के आपसे दिखवा रहे हैं, वो 80% वही परजीवी हैं। ये वो परजीवी हैं, मैं रिपीट करूंगा कि किनके साथ काम नहीं करना उनको खोजना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये वो 80% परजीवी होते हैं जो आपके 80% टाइम को किल कर देते हैं और खुद कभी नहीं सीखेंगे। तो दोस्तों आज के बाद रूल नंबर 1, आपका 80% टाइम आपके टीम को उन 20% लोग को देना है जो मैक्सिमम बिजनेस लेके आते हैं, और आपका सिर्फ 20% टाइम उन 80% लोग को देना है जो खुद सीखने में सक्षम नहीं है। तो आपको क्या करना है 20% में, उनको कोई मीटिंग हो सूचना दो, कोई नया इवेंट सूचना दो, कोई प्रोडक्ट लॉन्च हुआ सूचना दो, कोई अचीवमेंट आई सूचना दो, उनको मीटिंग बुलाओ, बट जब प्लान की बारी आए तो इन 20 पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि वो आपके डायमंड्स हैं, वो आपके हीरे हैं जो आपको 20% का नहीं, आपको 80% बिजनेस कमा के दे रहे हैं। सो आपका 80% टाइम उन 20% लोग को देना है जो आपके बिजनेस का 80% लाते हैं, और आपका 20% टाइम उन 80% लोग को देना है जो रियल में 20% ही बिजनेस लेके आते हैं। तो दिस इज रूल नंबर 1, देखना आप क्या करते थे इसके पहले। रूल नंबर 2 दोस्तों, इसको हम बोलते हैं 100,000 का रूल। ये रूल क्या होता है, आप जो प्लान दिखाना शुरू करो, जिस दिन आप 100 प्लान दिखा लोगे
100 प्लान दिखाते दिखाते रियल में आपको नेटवर्किंग समझ में आ जाती है। 100वां प्लान दिखाते दिखाते आपको ये फील आ जाएगा कि आप किस कंपनी में कैरियर कितनी है, कंपनी का विजन क्या है, कंपनी कहां तक जा सकती है, सब समझ में आ जाता है। तो यदि किसी कंपनी के MLM प्लान को समझना हो तो कम से कम 100 प्लान अपनी कंपनी का दिखाइए, आपको सब गेम समझ में आ जाएगा। और दूसरा, जिस दिन आप 1000वां प्लान दिखा रहे होते हैं उस दिन आप सक्सेस होते हैं दोस्तों, उस दिन आपको कोई रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि रियल में आप उठा के चेक करना मार्केट के अंदर एक व्यक्ति 1000वां प्लान दिखा। अच्छा ध्यान ना, 1000वां प्लान किसको बोलते हैं? यदि एक मीटिंग में 5 लोग बैठे तो भी वो एक मीटिंग, ऐसा नहीं कि 5 लोग का प्लान हो गया। आपको 1000 प्लान दिखाना है, 1.5 से लेकर 3 लाख 4 लाख महीने की इनकम बड़े आराम से 1000वां प्लान होते आ जाता है। तो आपको सक्सेस कब होना है या आपको महीने की 2-3 लाख इनकम कब चाहिए वो आप डिसाइड करेंगे, क्योंकि 365 दिन होता है एक साल में। 365 दिन में यदि 3 प्लान हम रोज करें रेगुलर तो एक साल में 1000 प्लान होगा। तो आपको 1 लाख या 5 लाख इनकम, वो सक्सेसफुल पोजीशन आपको एक साल में चाहिए तो 3 प्लान रोज करना पड़ेगा। आपको 6 महीने में चाहिए तो आपको 6 प्लान रोज करना पड़ेगा। आपने 1000 प्लान 2 साल में किया कि 5 साल में किया कि 10 साल में किया कि 1 साल में किया, वो डिसीजन आपका दिखाएगा कि आप सक्सेस कितना हो सकते हैं, राइट? सो रूल नंबर 2, 100,000 का प्लान, कि 100 प्लान देते देते आप मेच्योर होते हैं और 1000 प्लान देते देते आप सक्सेस होते हैं, राइट? ये हुआ रूल नंबर 2। अब देखते रूल नंबर 3 के बारे में। दोस्तों रूल नंबर 3 क्या बोलता है कि आपको जितना मिस्टेक आपका टीम करना चाहता है उसको करने का मौका दो। हम लोग कितनी बार गलतियां करते हैं, यदि एक बच्चे का एग्जांपल दूं, एक बच्चा जब छोटा होता है दोस्तों तो खड़ा होने का प्रयास करता है, पहले वो क्या करता है घुटने के बल चलता है, घुटने के बल चलने के बाद वो हमें आपको चलते हुए देखता है ना तो वो भी चाहता है मैं खड़ा हूँ, वो प्रयास करता है लेकिन उसके पैरों में जान नहीं होती और वो लड़खड़ा गिर जाता है, वो रोता है चीखता है लेकिन फिर प्रयास करता है, फिर प्रयास करता है और एक सर्टेन टाइम में उसका ब्रेन काम करता है, अरे ऐसे नहीं खड़ा करना, खड़ा होने के लिए कोई सहारा लेता हूँ और एक दीवार और एक चेयर पकड़ के खड़ा होता है और खड़ा हो जाता है। उसको आप उसकी खुशी का अंदाजा देखिए, जब वो खुश होता है, जब वो खड़ा होता है पहली बार तो आप तो खुश होते हो, बच्चा कितना ज्यादा खुश होता है कि मैं खड़ा हो गया आगे। फिर वो चलने का प्रयास करता लड़खड़ा के गिर जाता है पर वो प्रयास नहीं छोड़ता दोस्तों, वो चलता प्रयास करता रहता, आप भी सपोर्ट करते हो, एक टाइम बाद क्या होता है वो चलना स्टार्ट कर देता है। फिर वो बड़ा होता है, हिंदी अंग्रेजी जिस भी लैंग्वेज में आप हैं वो लैंग्वेज सीखता है, खाना पीना वही मांसाहारी शाकाहारी सब कुछ कॉपी करके आपको सीख लेता है। दोस्तों ध्यान देना, वही बच्चा जब बड़ा होकर स्कूल में जाता है तो क्या होता है, अब तक वो जिसने जितनी कुछ चीजें सीखी सारी चीजें सीखी गलतियां करके, वो जितनी बार गलती करता आप उसको सिखाते थे बेटा ऐसे नहीं ऐसे करना है, राइट? आप ध्यान देना, स्कूल में जाने के पहले आज 90% बच्चे ABCD आता है, उनको टेबल आती है, कौन सिखाया? आपने सिखाया, राइट? लेकिन जैसे वो स्कूल गया और स्कूल में उसने एक मिस्टेक, एक गलती की और टीचर ने यू स्टूपिड मिस्टेक करता है, गलती नहीं करना है, यू आर स्टूपिड, बच्चा डर जाता है और दोबारा फिर वो गलती करता है 2-4 दिन बाद, फिर से वही सुनता है स्टूपिड गलती करता है और टीचर के ये स्टूपिड कहना सुनकर 4 बच्चे और शुरू हो जाते हैं, तुम तो स्टूपिड हो गलती करते हो, और बच्चे के दिमाग में ऐसा ब्रेन में प्रिंट आउट छपता है जो आपको आज तक आपके ब्रेन में भी है कि भाई जो गलती किया वो स्टूपिड होता है। दोस्तों बिल्कुल गलत है, आप झांकना अपने अंदर झांके देखना आप भी वही करते हो। आपके टीम के बंदे को प्लान दिखाना है और 2 महीने हो चुका है, अब सामने कोई अच्छा लीडर बैठा हुआ है तो आप उसको प्लान नहीं दिखाने देते, आप खुद प्लान दिखाना शुरू कर देते हो। क्यों? आपको डर है कि वो मिस्टेक कहीं गलती कर देगा, प्रॉस्पेक्ट खराब ना हो जाए, और अब वो गलती कर देगा इस डर में आप उसको मौका नहीं देने देते दोस्तों। तो ये वही मिस्टेक आपके प्रिंट में, गलती करना नहीं चाहिए, ये डर आपके खुद के ब्रेन में है और बंदा लड़का वो कभी सीख नहीं पाएगा। इसको हम अपने लैंग्वेज में बोलते हैं भ्रूण हत्या, आपने एबॉर्शन कर दिया उस डिस्ट्रीब्यूटर का। आपकी कंपनी में 10,000 पे मान लीजिए 1000 का मैचिंग बोनस मिलता हो, कि 10,000 पे 1000 का मैचिंग बोनस, बंदा क्या कर सकता है? हो सकता है वो लड़का आपको दिखाएगा 500 सर मिलेगा, प्लान खत्म हुआ, आप सुन रहे थे मिस्टेक किया उसने, आपने बोला ये कि सर इन्होंने प्लान बहुत शानदार दिखाया, इसने एक मिस्टेक की, जहां उसने 500 बोला था रियल वो 1000 है। अब आपने जब इसको करेक्ट किया तब क्या लगता है दोबारा वो डिस्ट्रीब्यूटर दोबारा 500 बताएगा क्या? सर गलती एक बार करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, लेकिन सुधरेगा जरूर। सिखाना है, एक बढ़िया फौज बिल्ड करनी है सक्सेसफुल लीडरों की, तो सबसे पहले जितनी ज्यादा हो सके गलतियां करने का मौका दो, क्योंकि गलती करेगा तो ही सीखेगा। हम और आप सबसे ज्यादा सीखे थे स्कूल जाने के पहले, क्योंकि हम लोग गलतियां करने से उसमें डरते नहीं थे, लेकिन आज हम और आप सभी डरे हुए हैं गलतियां नहीं करने के लिए। तो दोस्तों जितना मिस्टेक कर सकता है करने दो, क्योंकि सीखेगा वहीं से, राइट? रूल नंबर 3,
सो अब हम बात करेंगे रूल नंबर 4 की। तो क्या है ये रूल नंबर 4? रूल नंबर 4 दोस्तों ये बोलता है कि हमारे एक घंटे की कुछ कीमत है, आप अपने एक घंटे की कीमत क्या आंकते हैं। आप जब मार्केट में प्लान करने जाएंगे तो दो कैटेगरी के लोग आएंगे, एक वो जो नेटवर्कर हैं और एक वो जो फ्रेशर हैं। फ्रेशर की बात करूं तो दोनों को डील करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा। लेट्स सी कैसे करेंगे, कैसे फ्रेशर को लाते हैं। एक बहुत जानदार ट्रेनिंग है, उसको आपको अटेंड करना पड़ेगा हमारे टीम के माध्यम से। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से रूल को अप्लाई करना है एक घंटे फार्मूले को, राइट। सो जैसे आपसे कोई फ्रेशर मिला, आपने उसको प्लान दिखाया, उसका दिखाने का तरीका डिफरेंट होता है। जैसा मैं बता चुका हूँ, उसको ट्रेनिंग का पार्ट है, वो आप हमसे मिलेंगे, हमारी टीम से मिलेंगे, सीखेंगे, वो हम सिखाते हैं। सो जैसे फ्रेशर मिला, फ्रेशर को आपने प्लान दिया और फ्रेशर बोलता मैं नहीं आऊँगा, दोस्त मेरा एक घंटे आपके ऊपर खर्च हो चुका है, मैंने अपना एक घंटा बेचा, मैंने एक घंटा दिया तो एक घंटे की कीमत चाहिए मुझे। बंदा बोलता मैं नहीं ज्वाइन करता, मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा पहला उद्देश्य होगा मैं अपने इवेंट का, अपने बीओपी का एक टिकट उसको सेल कर सकूंगा। भैया मेरे बीओपी मेरे इवेंट में आ जाओ, वहां बहुत बड़ा लीडर आने वाला है, क्योंकि वहां एक बार में 90% चांस फिर से बन जाएगा। बोलता नहीं मुझे नहीं चाहिए। नंबर दो, मेरे एक घंटे कीमत है। तो नंबर दो मैं बोलूंगा ठीक है कोई प्रोडक्ट बन जाओ, उसको मैं यूजर बनाऊंगा कि कोई ना कोई प्रोडक्ट आप लो, साबुन लो, डीओ लो, सप्लीमेंट लो, कुछ तो लेगा। कि बोलेगा डीओ लगाता कि साबुन लगा नहीं लगाता कि पेस्ट नहीं लगाता, कुछ तो चाहिए, चाय पत्ती लो, कॉफी लो, वॉट एवर आपकी कंपनी प्रोडक्ट हो, कम से कम उसको यूजर जरूर बनाओ। और साथ में तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भैया आपने 5 लोग का नाम दो। किन 5 लोग का? जो 5 लोग इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हों, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हों, कोई भी मार्केटिंग का काम करते हों, या कोई भी एक मेंबर चेन वाली कंपनी में काम करते हों, या किसी प्रकार के इंथुजियाजम या किसी प्रकार का उनका माइंडसेट ऐसा हो कि वो बहुत ज़्यादा बात करते हैं, या ऐसे लोग जो फ्रॉडिया टाइप के हैं। हमारी समाज ने उन लोगों को दोस्तों फ्रॉडिया का नाम दिया है जो बहुत शार्प माइंड होते हैं, जो बहुत बात करते हैं, उनको अच्छी नॉलेज है, वो कई सारे मोर देन 1-2 काम एक साथ करते हैं, तो बोलते फ्रॉडिया है। बोलो उन फ्रॉडिया का लिस्ट दे दो। 5 लोग का नंबर दो, यदि आपने दोस्तों अपना एक घंटा दिया तो फ्रेशर ही सही, आपको उस एक घंटे के बदले कुछ ना कुछ चाहिए, चाहे वो कस्टमर बन जाए, चाहे 5 लोग का नाम दे जाए, चाहे राइट वो आपके इवेंट में आ जाए, या आप बेस्ट पार्ट है कि तीनों एक साथ हो जाए, राइट। तीन हो गए फ्रेशर। नंबर दो, वो लोग मिलेंगे जो पहले से गुरु घंटाल हैं। वो कौन लोग? जो नेटवर्कर अपने आप को मानते हैं, अपने आप को लीडर मानते हैं दोस्तों। और जब इनके प्लस आप प्लान करते हैं तो इनको प्लान देने के बाद आपको क्या करना है ये आज आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे मानता हूं कि एक तरफ आप हो प्लान करते, सभी को ऐसे प्लान करते, किसी को ज्वाइन करा दिया, और एक तरफ मैं कैसे करता हूं, राइट। तो मान लेते हैं कि किसी एक कंपनी में 100 प्लान आपने दिया और 100 प्लान मैंने दिया 2 महीने के अंदर, राइट। अब 100 प्लान आपने दिया, अब आपको लगता है एक बंदा ज्वाइन कर ले सभी लोग, तो आपने बोला बस 1000 रुपये भाई साहब आ जाओ, आपने 1000 रुपये बिजनेस वॉल्यूम का सामान दिया, 1000 रुपये का सामान दिया, बंदा ज्वाइन कर गया। क्योंकि 1000 रुपये बहुत बड़ी वैल्यू होती नहीं, तो हो सकता हो 100 में 80 लोग आपका ताजा बिजनेस में है। सेम टाइम में जब मैं प्लान दूंगा तो मैं भैया 100-1000 से नहीं लाऊंगा, मैं सीधे बोलूंगा यू आर नेटवर्कर, आपको पूरी नॉलेज है, मिनिमम 15 से लेकर 20 हज़ार रुपये कम से कम सामान लीजिए। फर्क नहीं पड़ता कि मेरी कंपनी में 500 की ज्वाइनिंग है कि 1 रुपये की ज्वाइनिंग नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति ड्रीम लेके आ रहा है, नेटवर्कर है, पहले से नॉलेज है इस फील्ड की, यदि उसके पास में 15,000-10,000 का सामान हो दोस्तों, तो क्या करेगा कि वो 80% कैटेगरी में आता है, वो आपका टाइम किल करेगा, पहले छटनी कर दो। एक रिसेप्शनिस्ट रखने के लिए जब इंटरव्यू दोस्तों करता है कोई ना, मैंने अपने ऑफिस में किया था, तो 10-10, 20-20 लोग को हम पहले इंटरव्यू करते हैं, तब जाके हम 10,000-15,000 की सैलरी के लिए एक रिसेप्शनिस्ट रखते हैं। आप यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप की बात करने वाले हैं, आप उसको 2-4 लाख महीने की बात करने वाले हैं, वो यदि 2,000-4,000 का सामान उसके पास न हो, उसने सेल्फ यूज नहीं किया, जो यूज नहीं किया कैसे बात कर सकता है फील्ड में जाके उसके बारे में। तो मैं यदि करूंगा तो मैं करूंगा भैया 15,000 कम से कम दो, इतने का सामान आपके घर में जाना चाहिए, आपके पास में स्टैंड में होना चाहिए, स्टैंड बाई में, जिससे आप किसी को दिखा सको, बात कर सको। अब आप जितना ज्वाइनिंग मेरे पास नहीं आएगी, 80 तो नहीं आएगी, 10 आएगी भाई, 10 भी आई तो मेरी बिजनेस कितनी आ गई? मेरे पास बिजनेस आता है कितना? 1.5 लाख का। और आपका बिजनेस कितना आता है? 80,000 का। धंधा किसका ज़्यादा हुआ? मेरा। एक घंटे प्लान आपने दिया था, एक घंटे मैंने भी दिया था। अब यहाँ तक तो ठीक है, असली मज़ा तो नेक्स्ट डे आता है। अब कल से आपको कितने लोग फ़ोन करेंगे काम करने के लिए? 80 लोग, क्योंकि 80 लोग ज्वाइन कराए थे आपने। मुझे कितने करेंगे? सिर्फ 10 लोग। सर्विस कौन बेहतर दे सकता है? यदि एक दिन में आपने 1 लोग को टाइम दिया तो 81वां दिन जाके टाइम आएगा दूसरे का बेचारे का, जिसका पहले दिन आपने टाइम दिया था। मैंने यदि एक दिन में एक को टाइम दिया तो 11वें दिन ही फिर रिपीट हो जाएगा टाइम।
आप बताओ कौन ज़्यादा डेवलप करेगा, जिसका आप ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। ये वर्डिंग वैसे वीडियो में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन 50 नपुंसक पैदा करने से बेहतर दोस्तों ना एक मर्द पैदा कर दीजिए। 50 ऐसे लोग जो बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप का, बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, और 1000 रुपये का सामान की जब बात आती है बोलते सर इतना ले क्या करेंगे, उनको मार के भगाओ अपने पास से। वो टाइम क्लियर वो परजीवी हैं जो वही 80% वाले जो आपको बर्बाद करेंगे, आपका 80% टाइम वही लोग खाते हैं। यहाँ पे एक बात जरूर बोलूंगा, यदि पैसे नहीं है बात अलग है, कुछ सिचुएशन होती है पैसे नहीं है, कुछ लोग पास एबल है, उनका पैसे सब कुछ है, तब भी बोलेंगे 1000 रुपये 5, उनको तुरंत दूर भगा दो अपने से, ये आपका टाइम किल करेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, राइट। तो यदि मैं बात करूँ रूल नंबर 4 की, तो आपकी अपने 1 घंटे कीमत दोस्तों आपको लगानी पड़ेगी, क्योंकि यदि आपको अपने 1 घंटे कीमत नहीं पता, यदि आप अपनी वैल्यू नहीं समझते तो सामने वाला क्या समझेगा। आपने 1 घंटे प्लान दिखाया तो 1 घंटे कीमत क्या है आप डिसाइड करो, राइट। सो अब हम बात करेंगे रूल नंबर 5 की। तो रूल नंबर 5 की दोस्तों बात करें तो बहुत तेजी है जो सब लोग बताते हैं आपको, शो मोर प्लान्स। जो जितना ज्यादा प्लान करेगा वही जीतेगा दोस्तों। सबसे बेस्ट एग्जांपल मुझे समझ में आता है, क्योंकि मैं पला बढ़ा हूं गांव से, बनारस के छोटे से गांव से मैं बिलोंग करता हूं। मैंने बचपन में कंचे खेले थे, मेरे यहां गोलियां बोलते हैं, मेरे यहां कंचे नहीं बोलते, कंचे तो यहां बोलते हैं। तो हम उनको बोलते थे गोली खेलना, जमीन के अंदर हमें गड्ढा खोदते छोटा सा खोदा करते थे, उसको हम पिल्ली बोलते थे। तो अपने गोली को उस पिल्ली में डालनी होती थी, मतलब ये उस गड्ढे में उस छोटी वाली कंचे को डालने होते थे। यदि आप याद करो कि जब कई बार होता था कि गेम के लास्ट में 1 या 2 कंचे बचे होते थे, तो जब हम एक ऐसे फेंकते नहीं मिलती, कई बार ऐसा होता एकदम ठीक नुक्कड़ पे जाकर अटक जाती दोस्तों, नहीं मिलती, फूक मार दो पिल जाए, लेकिन वो नुक्कड़ पड़ जाए बहुत तकलीफ होती थी। लेकिन सेम टाइम में जब शुरुआत गेम की होती थी ना तो ढेर सारी होती थी, 10-20 आंख बंद करके ऐसे फेंको तो भी 2-4 पिल जाती थी। ये सीख देता है दोस्तों कि हमेशा क्वांटिटी विन करती है। आप एक दिन में एक प्लान दिखाते हो, कोई एक दिन में 4 प्लान दिखाता है, 4 वाला आपसे हावी हमेशा रहेगा दोस्तों, ये ध्यान देना। मैक्सिमम प्लान, आप सोचो 1000 प्लान में आप सक्सेस होने वाले हो, रूल नंबर 2। तो 1000 प्लान आप 10 साल में दिखा रहे हो कि 5 साल में दिखा रहे हो कि 1 साल में, कि 6 प्लान पर डे के हिसाब से 6 महीने में दिखा रहे हो, आप डिसाइड करो। जो जितना प्लान ज्यादा करेगा वही जीतेगा। आप 1 को डालेंगे लेफ्ट राइट हो सकता है, लेकिन 10 को डालेंगे 2 तो पीलेगा यार। इसलिए आप हमेशा ध्यान देना, आप यदि सक्सेस होना चाहते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर में तो आपको मैक्सिमम प्लान को दिखाना पड़ेगा, राइट। ये हुआ रूल नंबर 5। और लास्ट रूल नंबर 6। यदि रूल नंबर 6 की बात की जाए तो ये सब पे भारी पड़ता है दोस्तों, सबसे ज्यादा मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट ये है, कृपा करके कभी ज्ञानी न बने। आपको सीखना पड़ेगा, आपको लर्न करना पड़ेगा कि लर्निंग कैसे करते हैं। लग रहा अटरा थोड़ा सा, आपको लर्न करना होगा कि लर्निंग कैसे करते हैं। यस, एक्चुअली आपको सीखना नहीं आता, आपको लगता मैं ज्ञानी हूं, आपको लगता मुझे नॉलेज, ऐसा नहीं है। जब रात को दोस्तों बेड पर सोने जाते हो ना तो अपने आप से एक सवाल करो कि आज मैंने नया क्या सीखा। यदि जवाब आया कुछ नहीं, तुरंत अपना मोबाइल निकालो, यूट्यूब खोलो, कोई मोटिवेशनल वीडियो, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग डेवलपमेंट आईटी जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, मैं कहता हूँ डांस ही सही, लेकिन एक स्टेप मैं रोज सीखूंगा डांस का। सर 100 दिन में 100 स्टेप्स आएंगे, यदि एक दिन रोज एक सीखें तो ऐसा हो सकता है। आप सोने से पहले अपने आप सवाल पूछना कि आज मैंने नया क्या सीखा, यदि कुछ नहीं जवाब आया तो तुरंत यूट्यूब खोलो और सीखो। आपको सीखना पड़ेगा कि सीखते कैसे हैं, और ये सीखने के लिए आपको हमारी वीडियोज को फॉलो करनी पड़ेंगी, और आपको हमारे ऑफलाइन ट्रेनिंग्स को ज्वाइन करना पड़ेगा जो हम महीने महीने में वर्कशॉप करते हैं आउटडोर, जो आपको ऑब्वियसली फी पे करना होगा, क्योंकि होटल्स के अंदर हम करते हैं, फी पे करिए रहने खाने का, अटेंड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना। तो एक बार हम देखते हैं हमने लास्ट में क्या क्या सीखा। हमने रूल नंबर 1 बात की थी किसकी, 80-20, कि आपको अपना 80% टाइम उन 20% पर लोगों को देना है जो 20% आपका 80% बिजनेस लेके आते हैं, मरो पे नहीं। रूल नंबर 2, 100,000 का रूल। आप 100 प्लान दिखाएंगे बिजनेस समझ में आ जाएगा, 1000 प्लान में आप सक्सेस हैं, अब आप देखो आपको क्या करना है। रूल नंबर 3, डू मिस्टेक, जितना गलतियां हो सकता है करो ही नहीं, अपनी टीम को खुले या मौका दो भाई कर तू गलती, गलती करे करेक्ट करो, लेकिन गलती करने से मत रोको कभी। अब खुद मत डरो, 2-4 लोग नहीं आएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉलोअप कर लेंगे बाद में, लेकिन प्लान उनसे कराओ, राइट। रूल नंबर 4, आप अपने 1 घंटे की वैल्यू खुद डिसाइड करो, सामने वाला का हक नहीं बनता कि आपके 1 घंटे की वैल्यू डिसाइड करे, ये हमें डिसाइड करनी पड़ेगी दोस्त। रूल नंबर 5,
क्या था? मोस्ट प्लान विंस। जितने ज़्यादा प्लान करेंगे उतना ज़्यादा सक्सेस होने का चांस ज़्यादा है कंपेयर टू एनीवन एल्स। और रूल नंबर 6, लर्न हाउ टू लर्न। आपको सीखना पड़ेगा कि सीखते कैसे हैं, और ये सीखते कैसे हैं के लिए आपको हमारे वर्कशॉप को ज्वाइन करना पड़ेगा। सो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे फेसबुक के पेज को जाके लाइक करें, हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी दबाएं यानी बेल आइकन जरूर दबाएं, और साथ में अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सबा खैर।